हेलो गाइस, डे नंबर 31 आज है हमारा थोड़ा कार्डियो सेशन, और उसके बाद आरंभ करेंगे पुल वर्कआउट से। पुल में रेड लिफ्ट वगैरह भी करेंगे, देखा जाएगा। सो थोड़ा कार्डियो करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग। 59 डेज और बचे हैं यार। आज है मेरा थोड़ा सा कार्डियो सेशन और है पुल वर्कआउट, तो अभी देखते हैं क्या क्या हो पाता है। कोशिश करते हैं पूरी। ये बड़े खतरनाक है मिस्टर वार, मतलब बता नहीं सकते भाई। देखते अभी देखते रहना, तो अभी इनकी हरकते ना क्या ही बोलो। आगे देखते रहिए, ये देखो फ्लेक्स, देख रहे हो फ्लेक्स, ये ऐसा तो फ्लेक्स कर रहे हैं, खुजली हो रही है उसके। ये ऐसे ही मजाक कर देते हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस, जोक्स अपार्ट, अब करते हैं वर्कआउट शुरू। क्या 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 अपार्ट? ये देखो इन्हें विद्युत सभा कह रहे हैं पहले। ये टाइम टू बी सीरियस, और अब शुरू करते हैं कार्डियो। हल्का फुल्का कर लिया, वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद लिफ्ट स्टार्ट करते हैं। जितना तक चल दो उतना करा देंगे। ये देख रहे हो, तो अभी सीधे ऊपर ले जाओ, 240 किलो खींचो, और 240 में 100 माइनस करने पड़ते हैं, 140 में आराम से खींच लेते हैं बढ़िया करके। तो अब करते हैं शुरू, बहुत होगी बातें, और अब करते हैं ये कुछ बोल रहे हैं गाइस। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वचिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो देखो होगी ना करते करते। तो कितने घंटे ट्रेनिंग होती है? अरे यार, तो मतलब रिलीज के लिए क्या करते हो? रोलर देख रहे हो, 15 से 20 दिन में मसाज करवानी चाहिए ऐसा हमारे पहाड़ सिंह। मैं जा रहा हूँ, मुझे 31 दिन हो गए, 2 बार मसाज कराऊंगा। हमारा वैसे वर्कआउट नहीं है, पर हार्डली हमारे मेरे रेपिटेशन चलते हैं डेली में। इसके मेरा बहुत हार्ड वर्कआउट है बड़े भाई, मसल वाला देखना है। अरे मसल बहुत टाइट हो गई मेरी। तुम्हारे वर्कआउट ऊपर चले ना, तो उसमें क्या है ना, बहुत रहता है मतलब हटल बहुत जल्दी है। अब सुन, 2 मिनट बैक इतनी टाइट हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग। अगर मैं महीने में ना एक बार कप थेरेपी या उस टाइम पे कुछ ना कुछ करा, कपिंग तो हो रही है। कपिंग में अच्छा होता है, कपिंग हो रही है, कपिंग में भी वाली कराओ, निंदल वाली या फायर वाली, ये बढ़िया। मैं खाली अभी तो फिलहाल मैं खाली वैक्यूम कप चला रहा हूँ, मगर वाली अच्छी थेरेपी होती है।
एक्यूपंचर उससे जो रिजल्ट आता है ना एक्यूपंचर प्रेशर पॉइंट स्पिन करते हैं वो भी और एक और एक फायर वाला कौन सा फायर फायर कप्स वो वैक्यूम में तो आता है कोई नीचे वाले सबसे बड़ी लगती है नीचे वाले में दो घंटा इधर घंटा रुकना पड़ता है तो कोई नहीं वो तो प्रेशर पॉइंट रिलीज करने के लिए होता है ना उसमें ब्लड निकाल देंगे जब उससे अच्छा वो नहीं होता कौन सी ESS जो आजकल चल रहा है स्टिमुलेशन वाला ESC ट्रीटमेंट आ गया है अभी फिजियो के पास नहीं तो 1200 रुपये रहता सेशन का हफ्ते और महीने में दो बार कराओ बस वो तो खैर जो अचीट होगा वो कराएगा ऐसा गेम है और मतलब परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीमेंट होता है बढ़ जाता ना बीच में नाइस वही तो होता है वीडियो बन रही है तभी तो बोलते नहीं दिमाग खराब है यार भैया रोलर दे दो यार एक बार प्लीज अहमद रोलर पास कर दो प्लीज यार दोनों ये क्या मजाक तो गाइस देखो अभी कायरोप्रैक्टिक होने वाला है यहाँ पे शैंची आ गया सो आप आए रमू तो गाइस देखो शैंची काम तो के फायदे नहीं है तो नीचे चीनी है तो मैंने मसाला था उनसे कहता
कुछ नहीं होता है अपने बॉडी वेट के ऊपर उगलने से काम सही रहता है। मसल लैक होती है हार्ड में से जो डेली एक्सरसाइज करके मसल इतनी हार्ड हो रही है हाँ और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता वैसे थोड़ी बार तो दोबारा हंडने आ जाएगा। पीठ का है पहाड़ है हम तो पीठ कह देते हैं जो एक्सरसाइज वाली मसाज वाली जो हमारे यहाँ सर्टिफाइड ट्रेनर हैं यानी टीचर वगैरह इनको काफ़ी नॉलेज है इनको इनको प्रैक्टिकल से लीजिए आप प्रैक्टिकल लीजिए भाई जो तुम तो सीरियस हो गए भैया तेरे को और तुम ना हाँ करो पीठ दर्द भी नहीं यार हाँ तो पहले पहले वो करता हूँ चढ़ा मुझे चट्टाने से पहले ही पीला कर रहा हूँ तो भाई देख रहे हो बच्चे ये पहले सारे मजे पहले सारे पेज ढीले कर रहे हैं पूरे पीठ के उसके बाद ये चटकाता हूँ देखो भाई जो जगह मिट्टी आ गई होने वाला है करते रहो लंबी लंबी बड़ी सांसें जब किस साइड देखो पढ़ते हो ना साइड मतलब ये सांस करो छोड़ो और लंबी हो रखी है बार बार जाओ आ जाए इनसे पहले बताना करो छोड़ दे लंबी भर ना छोड़ भी लो टाइट कर देगी हमें छोड़ भरो भरो तो गाइस पावर लिफ्टिंग करते करते देख रहे हो मेरी पीठ तक तो कोई मैं करता हूँ तुम्हारा देखो पहले खो जाती है और सिर्फ तुम्हारे में होनी नहीं मैं करता हूँ देखो कैसे करते तरीके से करूँगा मेरी हाइड्रेट ऐसी हो तो कटोर जाएगी मैं बहुत तरीके से करूँगा कहते तो रहो लोग जी मुझे बस देखो गाइस चाय पी लो
मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। चेस्ट पे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखो, चेस्ट ऐसे करके, ऐसे फ्लाइट थोड़ा अंदर के, इधर हो, इधर हो जाओ, देखो गाइस रेडी हो गए। तो ऐसे करो, पूरे ढीला छोड़ो। ये क्या हो गया, हाथ में हो गया लेफ्ट राइट देखो, राइट देखो, तुम ऐसे करो, ऐसी लगी तो तुम करना कर लो, हाथ ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, सांस लो, हाथ पीछे कर लो, छोड़ो पूरा पीछे कर लो, राइट लेफ्ट देखो, राइट राइट देखो, राइट देखो, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, थोड़ा ढीला छोड़ो, ब्रीथ इन, ऊपर की तरह। तो गाइस अरे रुको रुको, देखो गाइस जब लोअर बैक चटकाते हैं ना तो यहाँ से एक हाथ रखो, सांस लो, सांस छोड़ो, ये किया जाता है गाइस, ये देख रहे हो कैसे कर रहे थे पहाड़ से। अरे रुको, ये भी किया जाता है गाइस, देख रहे हो इसे कहते चटकाना, सांस लो, सांस सांस लो, साइड मत करो ना, सांस छोड़ो, चलो सेवा समाप्त। अब गाइस इन्हें कुछ और दिए ले। मैं कहता मेरी एक बार ही फट जाती, कोई भी कर देगा। स्टार्ट वेट बढ़ाते हैं, 20 किलो बढ़ा है, 15 किलो, हाँ 50 केजी बढ़ा है, 15 15, ओके तो गाइस देखो 120 की रेड मारता हूँ गाइस, अब देखते हैं, देखिएगा आप, हालत ही नहीं है लेकिन रेप्स निकालने यार। इसकी रेड बड़े प्यार से आई लेकिन हाथ फिसल रहा है, चौक आ गया, ऑन का चौक, सो अभी हिट करते हैं, अब खाली रगड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से भी कुछ होगा।
गाइस बात आ चुकी है 70 किलो की डेडलिफ्ट 1 रैप और मिस्टर पहाड़ सिंह कह रहे हैं कि लाइक एक मारो बुद्धा बोल के लाऊंगा हैं। मैं कितने मारूंगा फिर? मैं 2 मारूंगा। देखो गाइस रहम थोड़ा सा भी नहीं है, 25 किलो 20 किलो 15 किलो 10 किलो 5 किलो और ये है देख रहे हो व्हाट इज़ दिस 20 किलो की रॉड और मारने को बोल रहे हैं। देख रहे हो 20 मिनट में 123 कंजप्शन कर दिया, 124 हो गया, हार्ट रेट अलग ही चल रही है भाई, इन्होंने बीपी बढ़ा दिया मेरा भयंकर। देख रहे हो हंस रहे हैं अलग से फिर यहाँ पे, अब लेट्स सी गाइस अब करते हैं, थोड़ी देर बैठता हूँ फिर उसके बाद करते हैं आरंभ। ये देखो भाई ने 20 लीटर पहले पी लिया, पानी है प्री वर्कआउट पहले पी लिया है, प्रोटीन के बाद पिएगा। भाई रिस्पॉन्सिबल चलो बहुत इजी है। बहुत इजी आराम से आएगा वेट, लाइट वेट है एकदम। चलो अरे बहुत इजी है बेटे, मौज कर दी ये बैठे लाइट वेट ये बैठे। ये तो बहुत सस्ता लॉली वाले में निकला जोक, अब ये 12 मार के दिखाएंगे और इन्हें बुद्धा बोल के रहूंगा मैं। देखो पक्का जमान से कह रहे हैं सर, जमान से कन्फर्म, मेरे दोस्त से बुद्धा बोला कि तुमने 12 मार दिए तो ठीक है, वैसे मंगलवार में कुछ और खाऊंगा फिर। ठीक है मारो बुद्धा बोल। हाँ 12 रैप मारोगे? हाँ बुद्धा बोल पक्का कन्फर्म। कितनी कितनी 12 मारो सोच लो, कन्फर्म कन्फर्म है यार, मैं क्या सोचूं उसमें, कन्फर्म है, मजाक नहीं करता मैं तो। गाइस बेल्ट वेल्ट पहन लो और ये चौक लगा लो हल्का सा नीचे चौक। तो भाई सीरियस वह भाई 70 किलो में 12 रैप्स निकालने वाले कन्फर्म, जोक सपाट। ये देखो गाइस ऐसे लगाते हैं एंड नो मोर जोक, इज अ प्रोफेशनल पावर लिफ्टर, लेकिन स्टिल मज़ा आता है यार। देखो सी सीधी बात चौक तो मर लिया इनने, अब बेल्ट लगा रहे हैं। मजाक नहीं है 70 है, फेक वेट नहीं है, मैं से नहीं उठ रहे 12 मारोगे ठीक है। चलो 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 Come on, brothers, no joke, 170 kg for 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on, 7, 8, 9, 10, 11. ओ बेटे हेयर 12 मार दिए, लेकिन ये थोड़े वो थे पार्शल थे, चलेगा लेकिन चलेगा डन। तो आप बुद्धा बोल जीत चुके हैं, खून निकल लिया गया तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप बुद्धा बोल खा के तो मजा आ जाएगा, देख रहे हो सही हो, पानी आनी चाहिए बढ़िया पानी ये वार्म अप मार रहे हैं, देख रहे हो गाइस यार गलत बात है यार ये। देखो 12 मार दिए इनने, यहाँ से उठ नहीं रहा, हल्का सा हिल रहा है, मतलब उठ रहा है हल्का हल्का, उठा लूँगा। वैभव भाई कैसा लग रहा है फिर आपको? पहली बार मारे वाला सुना, पहली बार गाइस नो जोक्स भाई मारता 270 मार लेता है तो बढ़िया करके तो कोई बात नहीं, लेकिन सही है बूम फिस बूम भाई, मज़ा आया गाइस 170 kg पे 12 रैप निकालना मजाक नहीं है। सो गाइस सरे आउट, सो गाइस डे नंबर 31, आज मेरा जिम करके खाना वाना मील लेके आज मैं नहीं बना पाया है पर लंच ड्यू टू सम इशू, सो लेट्स सी अब हम चलते हैं आगे स्टूडियो का, थोड़ा सैर कराएंगे, थोड़ा सा काम कराएंगे फिर चलते हैं।